हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इस चैप्टर में आपको मैथमेटिक्स की हिस्ट्री बताई गई है कि पुराने ज़माने में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता था, कैसे मल्टीप्लिकेशन किए जाते थे इजी मेथड से, और कैसे इजी तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता था। तो इसमें से एक मेथड है ऊर्ध्व तिर्यगभ्याम मेथड, जो कि हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 23 into 32। तो आपको 23 into 32 को बिना मल्टीप्लाई किए, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 into 32। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से। तो यहाँ हमें ये मेथड यूज नहीं करना है, यहाँ हमें इसे ऊर्ध्व तिर्यगभ्याम मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूनिट्स प्लेस के नंबर्स का, यूनिट्स प्लेस के नंबर है ये 3 and 2 का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करना है, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां हमें 3 and 2 इसका हमें वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करना है। सेकंड हमें 2 and 3 टेंस प्लेस के नंबर्स का भी वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करना है। एंड नेक्स्ट, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और थर्ड हमें डायगोनली वंस और टेंथ प्लेस के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 and 3, 3 and 2 इनका हमें इससे और इस नंबर का इससे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ यूनिट्स प्लेस का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, सेकंड स्टेप हुआ हमारा टेंथ प्लेस का प्लेस नंबर्स मल्टीप्लीकेशन वर्टिकल, एंड थर्ड स्टेप हुआ डायगोनली मल्टीप्लीकेशन, डायगोनली मल्टीप्लीकेशन। तो इसे हम देखते हैं 3 2 जा 6, यहां पर आता है हमारे पास नंबर 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट के आंसर को हम यहाँ, सेकंड इस पार्ट के आंसर को हम यहाँ, एंड थर्ड पार्ट के आंसर को हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एंड यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। सो यहाँ हुआ नंबर 6, 9 plus 4 13, एंड यहाँ 6। तो यहाँ पर अब हमें 6 and 3, 1 हमारा इस साइड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 plus 1 ये हो जाएगा हमारा नंबर 736, 736 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 92 into 37। तो यहां हमें 2 into 7 लेना है, 9 into 3 एंड 9 2 3 7 डायगोनली मल्टीप्लीकेशन, 7 2 जा 14, 9 3 जा 27 एंड 3 2 जा 6 प्लस 7 9 जा 63। यहाँ में 14 को एज इट इज 14 रखेंगे हम, 63 plus 6 69, 27। अब यहाँ हम सिंगल डिजिट 4 रखेंगे, 1 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 69 plus 1, 27 अभी एज इट इज रहेगा, 4, 69 plus 1 70 का 0 यहाँ आ जाएगा, 7, 27 के साथ ऐड होने के लिए, तो हमारा आंसर होगा 4 0, 27 plus 7 34, 3 4 0 4 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 55 into 55, यहाँ 5 and 5, 5 and 5, 55 into 55, सभी जगह हमारा आंसर सेम आएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 25 प्लस 25
नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे 25, 25 प्लस 25, 50, यहाँ 25 का यहाँ हम ओनली 5 रखेंगे, नेक्स्ट 2 हमारे इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 50 प्लस 2, यहाँ 52 का 2 रख के यहाँ 5 हम ट्रांसफर कर देंगे 25 के साथ ऐड करने के लिए, 52 एंड 25 प्लस 5 30, 3025 इज द आंसर, 3025। क्वेश्चन नंबर 5 इज 123 × 321। अब यहाँ हमें 3 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। हमें अब 4 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। पहले आपको यूनिट्स प्लेस के नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 3, 3 × 1 यूनिट्स प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद आप टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1, 2, 3, 2 इनका डायगोनली मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर वंस और टेंस के नंबर का, 2, 3 एंड 2, 1 इनका भी डायगोनली मल्टीप्लिकेशन होगा। और बीच में आप रखेंगे इन तीनों डिजिट्स को, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स को, 1, 2, 3, 3, 2, 1 इसमें आप हंड्रेड्स प्लेस का वंस प्लेस से, वंस प्लेस के हंड्रेड्स प्लेस से और टेंस का टेंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां हम आंसर लिखेंगे, इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एक एक पार्ट्स के आंसर को हम एक एक पार्ट्स में लिखेंगे। 3 × 1 = 3, यहां पर 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, यहां 1 × 1 = 1 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 4, 9 + 1 = 10, 10 + 4 = 14, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, 3 × 1 = 3 यहाँ आएगा 3। इसके बाद हम यहाँ 3 रखेंगे, सिंगल नंबर 8, यहाँ पर हम रखेंगे 4, सेकेंड डिजिट 1 को हम ट्रांसफर करेंगे सेकेंड कॉलम में, 8 + 1 कर देंगे, यहाँ 3, 3, 8, 4, 8 + 1 = 9 and 3 आंसर इज 39483 इज द आंसर। सो ये था स्टूडेंट्स 3 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 414 × 232। इसके लिए भी हम सेम मेथड यूज करते हैं, 4 × 2, इसके बाद इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया, 1 and 4, 3 and 2। इसके बाद हम तीनों नंबर्स को रखते हैं, 4, 1, 4, 2, 3, 2 फिर हम टेंस और हंड्रेड्स को रखेंगे, 41 and 23 डायगोनली मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में हम हंड्रेड्स को रखते हैं, 4 × 2, 4 2 = 8 नेक्स्ट कॉलम में हम रखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम रखेंगे 2 × 1 = 2, 4 × 3 = 12, 12 + 2 = 14, नेक्स्ट 4 × 2 = 8 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3, 8 and 8 = 16, 17, 18, 19 यहाँ रखेंगे हम 19, 4 × 3 = 12 प्लस 2 × 2 = 14, 4 × 2 = 8 इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, 8 यहाँ हम सिंगल नंबर 4 रखेंगे, यहाँ 19 + 1 = 14 and 8, 8, 4, 19 + 1 = 20 का हम रखेंगे यहाँ 0, 2 को हम ट्रांसफर करेंगे इधर, 14 + 2 = 8, 8, 4, 0, 16 का हम यहाँ रखेंगे 6, 8 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8, 4, 0, 6 and 8 + 1 = 9, 9, 6, 0, 4, 8 is the
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 504 इंटू 618। 4 × 8, इसके बाद हम रखेंगे 04 एंड 18। नेक्स्ट 504 इंटू 618, इसके बाद हम रखेंगे 50 × 61 एंड इसके बाद हम रखेंगे 5 × 6। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 = 32। नेक्स्ट 8 × 0 = 0 प्लस 1 × 4 = 4, 4 + 0 = 4। 8 × 5 = 40 प्लस 6 × 4 = 24 प्लस 1 × 0 = 0, 40 + 24 = 64। नेक्स्ट 5 × 1 = 5 प्लस 6 × 0 = 0, तो यहाँ भी आया 5, 6 × 5 = 30। सो यहाँ नंबर आया हमारे पास 2, 4 प्लस हमने किया 3, 64, 5 एंड 30, इन सभी को हम एज इट इज ले लेंगे। 2, 4 + 3 = 7, 64 में से हम लिखेंगे यहाँ 4 एंड 6 को हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट डिजिट में, प्लस 6, 30, 2, 7, 4, 6, 5, 11 का हम रखेंगे 1 और 1 को हम फॉरवर्ड करेंगे 30 के साथ, तो हमारा आंसर होगा 311472, दैट इज द आंसर। लास्ट है 812 × 453। यहाँ हम 2 × 3 लेंगे, फिर 12 × 53, नेक्स्ट 812 = 453 एंड उसके बाद 81 × 45 एंड फिर 8 × 4। फर्स्ट कॉलम को हम देखते हैं, 2 × 3 = 6, उसके बाद 3 × 1 = 3 प्लस 5 × 2 = 10, नंबर आया यहाँ 13। इसके बाद 8 × 3 = 24 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 5 × 1 = 5, 24 + 8 = 32, 32 + 5 = 37, 8 × 5 = 40, 4 × 1 = 4, 44, 8 × 4 = 32। इसके बाद हम 6, 3, 1 को हम 37 प्लस 1 करते हैं, 44, यहाँ 32, 6, 3, 37 + 1 = 38 का हम यहाँ 8 रखते हैं, 3 को हम ट्रांसफर करते हैं 44 के साथ प्लस करने के लिए, 32, 6, 3, 8, 4 + 3 = 7, यहाँ हम लाते हैं 7 एंड 4 को हम ट्रांसफर करते हैं 32 के साथ, 32 + 4, आंसर इज 367836 इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।